Hello everyone and welcome back to the Defense Academy. Here in this video we will be discussing about all the things which are related to the Indian Army, and secondly we will be discussing about the formations about the Indian Army, and after that it will be very much useful for your SSB as well as your written competitive exam, whether it is ACC, NDA, FCAT or whichever entry you are going for. So first of all, you must be aware enough that the Indian Army is having approximately 13 lakh men and women in its ranks. This includes 36,000 officers, and President is the supreme commander of the all the tri-forces, that is Indian Army, Air Force, Navy, whatever it is. And after that, the army headquarter is located in New Delhi, and after that Indian Army has the second largest army in terms of manpower after China, and it is the fourth strongest army after USA, रशिया एंड चाइना. सो ये बेसिकली ये चीज़ें आपको कहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, दोज थिंग्स विल बी योर दिस SSB इंटरव्यूज. देयर दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस फ्रॉम इट फॉर दैट. इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट यू पीपल मस्ट बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स. सो इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ जनवरी एवरी ईयर. अब ये रिकॉग्नाइज क्यों, किसे रिकॉग्नाइज करते हैं ऑन 15th ऑफ जनवरी, क्यों ये है इंडियन आर्मी का डे, जो डे है मनाया जाता है. ये मनाया जाता है इन द रिकॉग्निशन ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल लेटर फील्ड मार्शल KM करियप्पा, जिन्होंने कि टेक ओवर किया था एज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी फ्रॉम जनरल सरी फ्रैंकिस बुचर, द लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, ऑन 15th ऑफ जनवरी 1949 में इन्होंने इनसे जो था ये कमांडर इन चीफ बने थे. देन मूविंग फॉरवर्ड, द मेन मोटो ऑफ इंडियन आर्मी. तो मेन मोटो जो इंडियन आर्मी का है, ये काफ़ी बार ACC के रिटन एग्जामिनेशन में भी आ चुका है, एंड इट इज सर्विस बिफोर सेल्फ. देन मूविंग फॉरवर्ड फॉर द कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी. तो टोटल कमांड जो इंडियन आर्मी की हैं वो आपको पता होना चाहिए. देयर आर 7 कमांड्स इन इंडियन आर्मी, एंड ईच कमांड इज बींग हेडेड बाई द लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा हेड करी जाती है. एंड ऑल दोज कमांड्स आर बींग शोड हेयर इन द पिक्चर ऑल्सो. तो फर्स्ट अगर बात करेंगे नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी की कहाँ पे है, इट इज़ इन द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी. देन वेस्टर्न कमांड की अगर बात करेंगे, ये है चंडी मंदिर पंजाब में. हेयर यू कैन सी वेस्टर्न कमांड, ये आ गया. आफ्टर दैट सेंट्रल कमांड जो इंडियन आर्मी की है, दैट इज इन लखनऊ उत्तर प्रदेश. हेयर यू कैन सी. देन ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, दैट इज इन कोलकाता. इट इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. लखनऊ इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. राजस्थान द कैपिटल इज ऑल्सो जयपुर. सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स बाई दिस, ठीक है. एंड यू कैन सी द ट्रेनिंग कमांड ऑल्सो, दैट इज इन शिमला, हिमाचल प्रदेश कैपिटल्स. देन मूविंग फॉरवर्ड, साउदर्न कमांड of Indian Army is in Pune, Maharashtra. Here you can see Pune, Maharashtra. Southwestern Command is in Jaipur, Rajasthan. Here you can see Jaipur, Rajasthan, the capital of Rajasthan. Training Command is in Shimla, Himachal Pradesh. Here you can see. Moving forward, here you can see the formation chart of Indian Army. First of all, Army Headquarters, then comes Chief of Army Staff, CAOS, and its rank is general, and it's a 4-star officer. You have to tell me in the comment box who is a 5-star officer in Indian Armed Forces. 5-star officer jo hai kon kon aise officer hai Indian Armed Forces mein jinhe 5-star mil chuke hai, theek hai. Uske baad air headquarter ke niche kya aati hain,
ऑपरेशनल कमांड्स, या फिर स्ट्रेट अवे आप कमांड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट ऑपरेशनल की हम बात करेंगे, ऑपरेशनल कमांड कमांडेड बाय जीओसी इन सी आर्मी कमांडर, एंड रैंक इनका रहेगा लेफ्टिनेंट जनरल, एंड इट विल बी 3-स्टार ऑफिसर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेनिंग कमांड कमांडेड बाय जीओसी इन सी आर्मी कमांडर, एंड इनका रैंक भी सेम रहेगा, ठीक है, इनका रहेगा लेफ्टिनेंट जनरल, एंड ही आल्सो बी ए 3-स्टार ऑफिसर। फिर उसके बाद ये जो चार्ट, फ्लो चार्ट दिया गया है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंस प्ले करता है। जो भी कैंडिडेट्स एसएसबी में जा रहे हैं, उन्हें ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहाँ पे, कि कोर में कितने, कौन कमांड करता है, कोर कोर डिवीजन को कौन कमांड करता है, एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दैट। सो इसके लिए हम बहुत बढ़िया तरीके से वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स। सो कोर की, अगर ऑपरेशनल कमांड के नीचे क्या आता है, कोर आ जाता है, पहले इतना याद रखना है। कमांडेड बाय जीओसी, जीओसी इन सी कमांड करते थे कमांड को, और कोर को कमांड करते हैं जीओसी सिंपली, कोर्प्स कमांडर, एंड इनका रैंक भी सेम होता है लेफ्टिनेंट जनरल, और इनके अंडर एक कोर 3 से 4 डिवीजन से बना रहता है, ठीक है। सेम वे में आप देख सकते हैं डिवीजन जो है उसमें भी 3 से 4 ब्रिगेड आते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे कमांडेड बाय जीओसी, एंड इनका रैंक 2-स्टार ऑफिसर रहते हैं डिवीजन में, मेजर जनरल उनका रैंक रहता है। देन ब्रिगेड कमांडेड बाय ब्रिगेड कमांडर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ब्रिगेड, और इनका रैंक जो रहता है जिनसे कमांड करी जाती है, दैट इज़ ब्रिगेडियर, एंड कंप्राइजिंग ऑफ 3 बटालियंस एंड सपोर्ट एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपने देखा 3 से 4 डिवीजन्स के अंदर 3 से 4 ब्रिगेड्स आते हैं, उसी तरह से ब्रिगेड्स के अंदर 3 से 4 बटालियंस और सपोर्ट एलिमेंट्स आते हैं। फिर उसके बाद बटालियन या फिर रेजिमेंट, कमांड बाय कमांडिंग ऑफिसर, रैंक कर्नल होता है इनका, एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 4 राइफल कंपनीज, ठीक है, या नॉर्मल कंपनीज भी बोल सकते हैं, 3 से 4 कंपनीज। देन कमिंग डाउनवर्ड्स, राइफल कंपनी कमांडेड बाय कंपनी कमांडर, एंड इनका रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मेजर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो हम वीडियो सीरीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इंडियन आर्मी, इसी तरह से अगर आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए जिसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द इंडियन आर्मी, एंड विच विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर योर एसएसबीज, तो डेफिनेटली यू पीपल कैन कमेंट बॉक्स, एंड अवर फैकल्टी मेंबर्स विल बी वेरी मच ईगर टू प्रोवाइड यू ऑल द स्टफ्स विच इज़ रिलेटेड टू द इंडियन आर्मी, और ये चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी फॉर योर लेक्चरेट, फॉर योर जीडी, फॉर योर क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूइंग ऑफिसर। इफ यू आर गोइंग टू गो फॉर एनी ऑफ द रेजिमेंट, देन ही वी कैन आस्क यू द क्वेश्चंस, ओके इस रेजिमेंट में क्या है, उसमें क्या है, तो ये सब नॉलेज आपको इंडियन आर्मी का रिगार्डिंग होना चाहिए बेसिकली ACCS पेरेंट्स के लिए। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस राइफल कंपनी, तो इट कंप्राइजेज ऑफ 3 प्लाटून्स, एंड प्लाटून्स इन बीन कमांडेड बाई प्लाटून कमांडर, और उनका रैंक JCO भी हो सकता है, एंड दैट कैन बी ए लेफ्टिनेंट, राइट, और कैप्टन। कंप्राइजेज ऑफ 3 सेक्शंस, एंड सेक्शन इज द बींग कमांडेड बाई JCO और हवालदार, एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। आई होप कि इतना क्लियरिटी। अभी बात करेंगे कोर की, पहले तो हमने बात कर दी, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड्स की, ऑपरेशनल कमांड जो है लेफ्टिनेंट जनरल कमांड करेंगे। कोर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी आर बीइंग हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल, 3 से 4 डिवीजन होती हैं एक कोर में, डिवीजन हेडेड बाय मेजर जनरल, एंड ब्रिगेड्स आर हेडेड बाय ब्रिगेडियर, एंड बटालियंस आर हेडेड बाय कर्नल, इतना याद रखना है। एंड दिस व्हाट्सएप इज फॉर द कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर कोर्सेज ऑफ दिस This be courses or anything. If you people are interested to join, you people can WhatsApp on our WhatsApp number. That is 8120745966. अब बात करें कमांड। इंडियन आर्मी हैज 6 ऑपरेशनल कमांड एंड 1 ट्रेनिंग कमांड। ईच इज बिंग हेडेड बाई जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOC-NC नोन एज आर्मी कमांडर, विच हु इज अमंग द सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर इन द आर्मी। देन उसके नीचे आता है कोर, तो कोर इज ए कमांड जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कोर्स। तो इंडियन आर्मी हैज 13 कोर्स एंड ईच वन इज बींग कमांडेड बाई GOC, ठीक है, 13 कोर्स है इंडियन, हु इज ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। ईच कोर्स इज कम्पोज ऑफ 3 to 4 डिवीजन। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर्स इन इंडियन आर्मी,
कोई स्ट्राइक कॉर्प्स होती है, कोई होल्डिंग कॉर्प्स होती है और कुछ मिक्स्ड कॉर्प्स होती है, ठीक है। एंड द कॉर्प्स हेडक्वार्टर इज द हाईएस्ट फील्ड फॉर्मेशन इन द आर्मी। फील्ड फॉर्मेशन डिवीजन था 15,000 और 8,000 सपोर्ट। यहाँ ब्रिगेड हमने देखे 120 ट्रूप्स, कंपनी 32 ट्रूप्स की प्लाटून बनती है। दे कैन बी टास्क्ड बाय द बटालियन ऑफ द ब्रिगेड कमांडर टू कैरी आउट सच टास्क ऑफ रिकनेसेंस, क्योंकि एक प्लाटून जैसे घातक प्लाटून है, काफ़ी उनके जो रिकनेसेंस के पर्पसेस चलते हैं, रेड्स होती हैं ऑन एनिमी आर्टिलरी पोजिशंस पे, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जिस तरह से आर्टिलरी एयरफील्ड्स सप्लाई टप्स इस तरह, और दे आर आल्सो केपेबल ऑफ डायरेक्टिंग आर्टिलरी एंड एयर अटैक्स ऑन टारगेट डीप विद इन द एनिमी लाइन्स। द मोस्ट फिजिकली फिट एंड मोस्टली मोटिवेटेड सोल्जर इन द इन्फेंट्री बटालियन आर सेलेक्टेड टू बी द पार्ट ऑफ घातक प्लाट बनाई जाती है। एंड सबसे स्मॉलेस्ट जो मिलिट्री आउटफुट रहती है दैट इज ए सेक्शन, एंड इट इज विद द स्ट्रेंथ ऑफ 10 पर्सनल्स कमांडिंग बाई ए नॉन कमीशन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ हवलदार। होप के दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू टू एनहेंस योर नॉलेज रिगार्डिंग द इंडियन आर्मी। एंड इफ यू पीपल आर हैविंग एनी टाइप ऑफ डाउट यू की पीपल कैन व्हाट्सएप अस ऑन 8120745966। और अभी हमारे ऑनलाइन SSB कोर्स नया स्टार्ट हो रहा है September स्टार्टिंग से अभी, तो उसमें आपको अगर एनरोल करना हो तो भी हमें व्हाट्सएप करें इस नंबर पे। और उसमें आपको क्या होगा, आपके ऑन टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपको क्लासेस दी जाएंगी, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। आपको उसमें Stage 1 की गारंटी दी जाती है कि आपका स्क्रीन इन होना हमारी गारंटी है, बट बाकी का जो है उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, और वो वर्कआउट हमें जो आपको वहाँ पर क्लासेस में करवाया जाएगा। और पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो आप लोग हमें व्हाट्सएप करें 8120745966। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।